Good morning, students. How are you? Fine. I hope you are also fine. And I'm also fine. Okay, students. And do you know today's which class? Yes, today's English class. So, students, firstly, we will know which date is going on. Yes, today's 27 July 2021. And which day is going on? So student, today's Tuesday is going on. Okay. And Tuesday की spelling क्या होती है? T U E S D A Y. Tuesday. Okay. So student, do you know what we had learned in the previous class? तो बच्चों, आप सभी को याद है? मैम ने आपको आपकी पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था? Very good. So, I taught you use of A and N. मैंने आपको पढ़ाया था use of A and N. आपको बहुत अच्छे से आ गया ना A and N? Very good. So, student, today we will teach you this and these. So, student, आज मैं आपको पढ़ाएंगी this and these का use. Okay, like अगर हमें कोई भी चीज जो हमारे पास है जिनको हम टच कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है, like this marker हम टच कर सकते हैं, ठीक है, ये पेंसिल हम टच कर सकते हैं, एंड पेन हम टच कर सकते हैं, ये बुक हम टच कर सकते हैं, एंड हम अपने हेयर को टच कर सकते हैं, अपने नोज को टच कर सकते हैं ना, अपनी बॉडीज के सारे पार्ट को हम टच कर सकते हैं, और एंड हम टेबल को टच कर सकते हैं, बोर्ड को टच कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, और हम चेयर को भी टच कर सकते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम जैसे हिंदी में यूज करते हैं, दिस इज यह टेबल है, यह बाल है, यह पेंसिल है, ठीक. तो ऐसे ही सेव अगर हम इसे इंग्लिश में प्रोनंसिएशन करना होगा, इसे बोलना होगा, तो क्या करेंगे? दिस क्या यूज करेंगे? दिस दिस इज पेंसिल, दिस इज बुक, दिस इज टेबल, दिस इज माय हेयर, दिस इज नोज, दिस इज आई, दिस इज ईयर, दिस इज टीथ, दिस इज स्किन, एंड दिस इज माय फेस. ओके, यानी जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम उसके लिए कैसे बोलते हैं? दिस. उसका यूज क्या करते हैं? दिस, दिस इज बोर्ड या बोर्ड है, दिस इज पेंसिल स्टैंड या पेंसिल स्टैंड है, दिस इज बुक या बुक है, दिस इज पेंसिल, दिस या पेंसिल है, ठीक है. तो डू यू नो व्हाट इज यूज ऑफ दिस? ओके, नाउ वी विल टीच यू यूज ऑफ दीज. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी दीज का यूज. दीज का यूज कहाँ होता है? जब एक से ज़्यादा कोई भी थिंग्स हो, वन से मोर थिंग्स हो, लाइक ये यहाँ पे आपके पास टू पेंसिल है, तो ये आपके पास टू मार्कर है ना, टू से थ्री फोर फाइव कितने भी मार्कर हो, ठीक, ये आपकी वन एक बुक, दो बुक, वन बुक टू बुक, तो ये आपकी टू बुक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे दीज. अगर कोई वन थिंग्स होती है उसके लिए बोलेंगे दिस इज पेंसिल. अगर कोई डबल चीज है यानी वन से मोर है, अगर एक से ज्यादा है, तो उसके लिए हम दीज, दीज आर पेन, दिस इज अ पेंसिल, दीज आर पेन, दिस इज अ पेंसिल. ओके, समझ में आ रहा बच्चों? दीज आर मार्कर, ये भी आपके पास दो है ना, इसको अगर हम सिंगल लेंगे तो बोलेंगे दिस, किसके साथ बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर. अब ये दो मार्कर हो गया, दीज आर मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दीज आर मार्कर. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? यह मार्कर है, यह एक मार्कर है, और अब यह दो मार्कर है, ठीक. और ए का यूज मैम ने बताया था ना, ए वहां पे यूज होता है जब हमारी कोई सिंगल थिंग्स होती है ना, तो दिस इज अ मार्कर, यहाँ पे लग रहा है ना, इसका मतलब ये आपका मार्कर एक है, सिंगल है ना.
अब एक से ज्यादा मार्कर है तो क्या हो जाएगा, दीज आर मार्कर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एंड नाउ लाइक दिस इज द पेंसिल एंड दीज आर पेंसिल। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? फर्स्टली वी विल मेक हाउस पुट अप द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्टली लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट, हम व्हाट का यूज कहाँ करते हैं? जब हमें किसी चीज का नाम जानना होता है, ठीक है, या कुछ कोई क्या कर रहा है, ठीक, उसके लिए क्या यूज करते हैं? व्हाट, तो ये क्या है? व्हाट, व्हाट इज दिस मींस ये क्या है? तो यहाँ पर क्या दिख रही है बच्चों? पेन दिख रहा है ना, तो आप बोलेंगे मैन दिस इज अ पेन। क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। ओके, अब ये मैन के पास एक से ज्यादा पेन हो गई ना, ढेर सारी पेन हो गई, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? अब इसका क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा? जब एक से ज्यादा थिंग्स हो तो दिस नहीं, हम किसका यूज करते हैं? दीज का यूज करते हैं ना, दीज। आप व्हाट आर दीज, अब जब एक से ज्यादा चीज होती है, थिंग्स होती है, तो वहां पे इज नहीं आता है बच्चों, आर से हम क्वेश्चन, व्हाट आर से क्वेश्चन करते हैं। जब कोई हमारी सिंगल थिंग्स होती है तो व्हाट इज से क्वेश्चन करते हैं, और जब एक से ज्यादा थिंग्स होती है तो हम व्हाट आर से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगा? व्हाट आर दीज, या क्या है, यानी यह सब क्या है? तो आंसर कैसे आप करेंगे? दीज आर पेन। क्या है बच्चों? व्हाट आर दीज, दीज आर पेन। ओके, इफ एनी सिंगल थिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज पेन। एंड वन मोर, एक से ज्यादा चीज होगी, व्हाट आर दीज, दीज आर पेन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ध्यान से केयरफुली आप लिसन करिए, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मैम के पास क्या है? पेंसिल कलर। अब इसके लिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए, बताइए। वेरी गुड, व्हाट इज दिस, यह क्या है? अब आंसर इज पेंसिल कलर। वेरी गुड, आप मैम के पास एक से ज्यादा कलर है ना बच्चों। अब इसका क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा? यस, व्हाट आर दीज, क्या है ये सब, क्या है? तो आंसर कैसे आएगा? दीज आर कलर। ओके, दीज आर पेंसिल कलर। ओके स्टूडेंट्स, आप लाइक दिस, अभी आपके पास एक बुक है, तो क्वेश्चन कैसे होगा? व्हाट इज दिस, ठीक है, आंसर क्या देंगे आप? दिस इज अ बुक। अब आपके पास एक से ज्यादा बुक है ना, तो क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा? व्हाट आर दीज, आंसर कैसे करेंगे आप? दीज आर बुक्स। ओके, चलिए अब हम बुक्स बोर्ड पे थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और राइट करिए स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैम देखिए इस पे सम पिक्चर ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये मैम ने बनाया है बॉल। ओके, ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, टी एच आई एस, दिस इज अ बॉल, बी ओ डबल एल, बॉल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ बॉल। अभी आप एक से ज्यादा बॉल्स है ना, तो हम क्या बोलेंगे? दीज, टी एच ई एस ई, दीज ए आर ई आर बॉल्स, बी ए डबल एल एस बॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट ये क्या है? काइट।
काइट है ना बच्चों, एक ही काइट है ना बच्चों। यस, इसके लिए मैं क्या लिखेंगी, दिस टी एच आई एस, दिस आई एस इज ए काइट, के आई टी ई काइट। ओके, एंड लास्ट, अब एक से ज्यादा काइट है तो इसके लिए क्या यूज होगा, दीज टी एच ई एस ई, दीज ए आर ई आर काइट्स, के आई टी ई एस काइट्स। ओके, जब कोई वन थिंग्स होगी तो क्या यूज करेंगे, दिस इज अ बॉल। ठीक, अब एक से ज्यादा बॉल्स है, दीज आर बॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वन काइट है तो दिस इज अ काइट, अब वन से ज्यादा काइट है तो दीज आर काइट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे, ओके स्टूडेंट्स, अब दिस मतलब यह, दिस मतलब ये, दिस मतलब यह, दिस मतलब ये, यह क्या है, यह बॉल है, सो दिस इज अ बॉल। ये क्या है, ये बॉल है, दिस आर बॉल्स। यह क्या है, यह पतंग है, तो दिस इज अ काइट। यह क्या, ये क्या है, दिस मींस ये, सो दिस आर काइट्स। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में, तो आपको दिस और दिस का मतलब समझना है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।